हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम दत्ता। आप देख रहे सिंपल टेक्निक चैनल। आपके हमारे सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पे, मान लीजिए आप लोग कहीं पे ऑफिस जाते हैं और आपका फ़ोन कहीं पर ही रखा हुआ रहता है और उसकी कोई भी आके यूज़ कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा। फ्रेंड्स मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा है, आप कॉलेज में, स्कूल में है या फिर हॉस्टल में या फिर कहीं पर किसी के साथ ग्रुप मेंबर पे है, वहाँ पर ही आपका फ़ोन मान लीजिए रखा हुआ है फ्रेंड्स, और उसी टाइम आप वहाँ पर नहीं रहे और आपने ध्यान नहीं दिया और आपका फ़ोन कोई यूज़ कर लिया कि या फिर आपका कोई ज़रूरी डाटा हो जो किसी ने आपसे सेंड कर लिया है या फिर कोई आपका मोबाइल बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हो आपका पासवर्ड खोलने का, पैटर्न खोलने का, तो कैसे आपको पता लग सकता है कि किस तरह से आप पता लगाइएगा कि आपका फ़ोन कौन ट्राई किया था फ्रेंड्स और किसके हाथ में गया था फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं आप लोग के सामने एक एप्लीकेशन लाया हूं फ्रेंड्स, जिसमें आप लोग जान सकते हैं कि आपका फ़ोन कोई भी यूज़ कर सकता है। ये एप्लीकेशन मैं 3 दिन से यूज़ करके देख रहा हूं, इसमें कोई भी हार्मफुल नहीं होगा, कोई भी हैंग नहीं करेगा फ्रेंड्स। ऐसे मैं 3 दिन से यूज़ कर रहा हूं, इसे न मोबाइल हैंग करती है न हीट होती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है फ्रेंड्स। ये सेफ है फ्रेंड आप लोग के लिए, और न ही ये वीडियो में कोई स्पॉन्सरशिप के तहत बना रहा हूँ फ्रेंड्स, बस ऐसे आप लोगों को नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ और दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह से वो एप्लीकेशन में उसका फोटो क्लिक कर लेता है कि किस तरह से आपको पता चल जाएगा कि वो फोन आपका कौन यूज़ कर रहा था, आपका उसमें फोटो क्लिक हो जाता है फ्रेंड्स। वीडियो में शुरू से अब तक बने रहेगा, वीडियो को नहीं कीजिएगा स्क्रीन, नहीं कीजिएगा रिमूव फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए मैं तो पहले यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ फ्रेंड्स अपने फ़ोन का, तो बगल में यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को पहले जाना है गूगल का प्ले स्टोर पर जाना है फ्रेंड्स। प्ले स्टोर में जाके आपको वहाँ पर आईफोन हु टच माई फ़ोन यहाँ पर एप्लीकेशन एक नाम है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का ही नाम है हु टच माई फ़ोन फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पर ऊपर में आ गया फ्रेंड्स हु टच माई फ़ोन, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा किस तरह से ये फ़ोन आपका वर्क करता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन मेरा इंस्टॉल हो चुके हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ स्क्रीन में किस तरह से ये वर्क करता है फ्रेंड्स। तो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी, मैं यहाँ पर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब इसको करता हूँ मैं ओपन, आप लोगों को बताता हूँ कैसे इस एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है, कैसे इसको सेटिंग करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऐप एक्टिवेशन के लिए नेक्स्ट कर देना है आपको यहाँ पर, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर फिनिश कुछ हो जाएगा इस टाइप से, और उसका आपका यहाँ पर और ऑन ऑफ का जो यहाँ पर क्लिक का बटन दे रहा है इसको आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, इसको ऑन कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑन करने के लिए यहाँ पर आपका बोले जाए पूछा जाएगा एक्सेस टू कैमरा इज रिक्वायर्ड टू सेव रिपोर्ट्स विद फोटो, ओके कर देना है यहाँ पर आपको। इसके बाद इसको यहाँ पर आपका कैमरा जो अलाउ परमिशन मांगेगा उसको आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से परमिट यूसेज एक्सेस में आपको ओके कर देना है फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है आपका ले लेगा फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह से ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से ये एप्लीकेशन यूज़ करता है फ्रेंड्स। तो आप लोग ऊपर की स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं प्रोटेक्शन इनेबल फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुका है प्रोटेक्शन इनेबल ये एप्लीकेशन का। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ोन को अभी ऑफ कर दिया हूँ फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स मेरा तो ऐसे फ़ोन पे लॉक नहीं है कोई, मैं लॉक नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसको बहुत सारे ट्राई कर रहा हूँ ऐसे इस तरह से खोलने के लिए बहुत सारे ट्राई कर रहा हूँ, ये मेरा खुल गया है। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्शन इनेबल यहाँ पर आप जाके यहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आज का डेट का आपका कलेक्ट, मैं इसको पहले बहुत बार ट्राई करके देख लिया, उसके बाद आप लोग सामने ये वीडियो लाया। जैसे उसके बाद यहाँ पर पहले में ही आपका मई 29 का आज का डेट आ रहा है, टाइमिंग आ रहा है, इसमें डिवाइस अनलॉक करने के लिए कोई कोशिश किया है तो उस पर आप जाके क्लिक कीजिए, तो उस पर आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर फोटो यहाँ पर शो करने लगेगा कि आपका किसका यहाँ पर कौन आपका फ़ोन ट्राई करने का यूज़ कर रहा था, कौन आपका फ़ोन यूज़ करने की कोशिश कर रहा था फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, वीडियो आप लिए आपको पसंद आए, वीडियो को अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए फ्रेंड्स।